नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मीडिया। दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं कि कैसे अभी हाल ही में जो शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा का मामला आया था, उसी को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। और अगर आप सभी को ये लग रहा है कि राज कुंद्रा आप पूरी तरह से आज़ाद है, तो निश्चित तौर पर आप सभी गलत सोच रहे हैं। ये आपको हमारी वीडियो देखने के बाद पता ही चल जाएगा, इसलिए आप सभी हमारी वीडियो को ध्यान से और अंत तक देखिएगा। दोस्तों, पिछले महीने जब हमने देखा था कि शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा का केस सभी के सामने आया था, तो किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि राज कुंद्रा पोर्न वीडियो भी बनाता होगा। और सब पूरी तरह से हैरान थे और ये देख रहे थे कि क्या राज कुंद्रा रियल में इतना गंदा इंसान है, जो कि इतना बड़ा बिजनेसमैन है, इतनी बड़ी एक्ट्रेस का पति है। और तो और मैं आपको बता दूं, कई सारे लोगों ने शिल्पा शेट्टी के ऊपर और भी कई तरह के गंदे आरोप लगाए थे, जिनमें शार्लिन चोपड़ा मुख्य थी। लेकिन अब इसी बीच कोर्ट का एक बहुत बड़ा बयान आया है सीधे राज कुंद्रा केस में, और कोर्ट ने क्या कहा है राज कुंद्रा को लेकर, ये जानना यकीनन आपके लिए बहुत जरूरी है। अश्लील वीडियो मामले में बड़ी शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा की मुश्किलें, बॉम्बे हाई कोर्ट ने खारिज की अग्रिम जमानत याचिका। एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति अश्लील वीडियो मामले में भले ही जेल से बाहर आ गए हैं, लेकिन अभी भी उनकी मुसीबतें टली नहीं हैं। इसी बीच हाल ही में उन्हें कोर्ट की ओर से एक और बड़ा झटका लगा है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने अश्लील फिल्म रैकेट मामले में राज कुंद्रा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। बीते दिनों कोर्ट में अपनी याचिका दायर करते हुए राज ने कहा था कि उनकी प्रोडक्शन कंपनी द्वारा बनाए गए वीडियोस कामुक थे, लेकिन एडल्ट कंटेंट वाले नहीं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने राज कुंद्रा द्वारा दी गई इस दलील को मानने से इनकार करते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी है। राज के अलावा पूनम पांडे और शार्लिन समेत कुल 6 लोगों ने अग्रिम जमानत के लिए ये याचिका लगाई थी। तो आप सभी देख रहे हैं किस तरह से लोगों ने लगातार राज कुंद्रा के खिलाफ याचिकाएं दायर की हैं, और सभी को ऐसा लगता है कि राज कुंद्रा को जेल होनी चाहिए, क्योंकि राज कुंद्रा वो खुखार इंसान है जिसने कई लड़कियों की जहां जिंदगी खराब कर दी, तो वहीं कई सारे लोगों को इस दलदल में धकेलने की भी कोशिश कर रहा था। याचिका खारिज करते हुए जस्टिस एनडब्ल्यू सांबरे ने किसी भी कानूनी कार्यवाही से बचने के लिए इन सभी आरोपियों की अंतरिम सुरक्षा 4 हफ्ते के लिए बढ़ा दी है। बता दें कि शिल्पा के पति को एडल्ट वीडियो मामले में 19 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। करीब 2 महीने जेल काटने के बाद उन्हें जमानत मिली थी, और इसके बाद भी अभी भी राज कुंद्रा हमेशा सुर्खियों में रहते हैं अपने पुराने मैटर को लेकर। पिछले दिनों तो खबर यह भी आई थी कि शिल्पा शेट्टी राज कुंद्रा के इस घिनौने काम की वजह से बहुत ज़्यादा दुखी हो चुकी हैं और वो राज कुंद्रा से तलाक भी ले सकती हैं। हालांकि शिल्पा शेट्टी ने अभी तक ऑफिशियली इस पर किसी भी तरह से कोई बड़ी अनाउंसमेंट नहीं की है, लेकिन जितने भी शिल्पा शेट्टी के फैंस हैं, अब वो जानना चाहते हैं कि शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के रिश्ते में आगे क्या होने वाला है। क्या ये दोनों फिर एक बार साथ रहेंगे, या फिर यहीं पर ही इनका रिश्ता खत्म हो जाएगा। तो यही था वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, इसे शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।